नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। कौन बनेगा करोड़पति के शो में हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने कई लोग बैठे, आम खास और सितारे तक। यहां बैठने वालों में झारखंड की एक बेटी भी थी। कुछ सनकी दरिंदों ने उस पर तेजाब से हमला किया तो लगा जीवन में कुछ नहीं बचा, मगर इस बेटी ने घर के कोने में छिपकर बैठने की बजाय दुनिया के सामने आकर इंसाफ की जंग लड़ी, उन सब बेटियों के हक में आवाज उठाई जो एसिड अटैक का शिकार होकर जिंदगी से हार मान लेती है। मिलिए झारखंड की सोनाली से। लड़ाई शुरू हुई मेरी, मतलब मल्टीपल स्टेजेस की। पहले तो आर्थिक लड़ाई थी, तंगी इतनी थी कि मतलब उसको, क्योंकि इस हादसे के बाद हम लोग घर से बेघर हो गए, एकदम से पिताजी की नौकरी चली गई और हम लोग एकदम हैंड टू माउथ सिचुएशन पे आ गए। जी हाँ, फिर से खड़े होने का फैसला सोनाली मुखर्जी ने किया तो व्यवस्था भी जागी और समाज भी साथ खड़ा हुआ। झारखंड के बोकारो के डीसी ऑफिस में बतौर क्लर्क काम करने वाली इस बेटी को ये नौकरी भी तब मिली जब उसने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। खुद के साथ हुए अन्याय की जानकारी दी और एसिड अटैक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बहस को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इतनी जबरदस्त भूमिका कि अमिताभ बच्चन के शो में इस बेटी के संघर्ष की कहानी सुनकर ओडिशा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चित्रंजन तिवारी ने शादी का प्रस्ताव रखा। खूबसूरत चेहरे की जगह बहादुरी का साथ देकर शादी करने वाले इस नायक ने सोनाली की जंग में साथ खड़े होने का ऐलान किया तो पिछले 12 सालों से न्याय का इंतजार कर रही इस बेटी को ताकत मिली। बेटियों की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध सोनाली 22 अप्रैल 2003 की उस काली रात को याद कर आज भी सिहर उठती है जब झारखंड के धनबाद में पूरा परिवार नींद के आगोश में था और कुछ मंचलों ने छेड़खाने का विरोध करने वाली इस बेटी पर एसिड से हमला किया। शरीर का 72% हिस्सा जल गया, आंखों की रोशनी चली गई और ग्रेजुएशन की यह होनहार छात्रा अस्पताल के बिस्तर में आ गई। पिता की नौकरी चली गई और दबंगों के डर से बेघर होना पड़ा। लेकिन इन सब से हार मानने की बजाय सोनाली ने कानून का दरवाजा खटखटाया। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बैंडेज में लिपटी सोनाली ने दिल्ली से धनबाद आकर कोर्ट में बयान दर्ज कराया, लेकिन आखिरकार न्याय की मूर्ति ने इंसाफ दिया। दो आरोपियों को 9 साल की सजा हुई। संघर्ष को एक मुकाम मिला लेकिन बेचैनी थी। सोनाली का सवाल था कि इतने बड़े अपराध की सजा आखिर इतनी छोटी क्यों, और इससे भी ज्यादा दुखद था हाईकोर्ट का फैसला जिसने अभियुक्तों को जमानत दे दी। तब राष्ट्रपति से गुहार लगाकर सोनाली ने न्याय की मांग की। मैंने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई, मैंने अपील की कि भाई हमें लगता है कि हमें सजा मिली है, उन आरोपियों को आप सजा दीजिए जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। अगर आप ये सब देने में सक्षम नहीं है तो इस तरह की जिंदगी हम नहीं जीना चाहते, हमें इच्छा मृत्यु के लिए आप आज्ञा दीजिए। एनसीसी की कैडर रह चुकी सोनाली जिन आंखों से निशाना साधा करती थी, आज वो उन आंखों से जीवन के सपने नहीं देख सकती है क्योंकि देखने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन इस बेटी की हिम्मत और ताकत का ही नतीजा है कि आज देश की संसद में इस विषय पर राष्ट्रव्यापी बहस हो रही है और एसिड अटैक के खिलाफ कड़े कानूनों की पैरवी भी। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। पूर्वाग्रहों को तोड़ने की कोशिश सोनाली ने की तो साथ परिवार और समाज दोनों ने दिया। तो कुछ बेटियां ऐसी हैं जो समाज की बुनियाद संवारने में जुटी है। कल आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश की रेहाना रहमान से, जिनकी लगातार छोटी छोटी कोशिशें शिक्षा की नई अलख जगा रही हैं। बस आप देखते रहिए, आपके बरस मोहे बेटियां ही दीजिए।